हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट का लाइफ या अ डे आप बोल सकते हो कि कैसे एक डे बीतता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हिंदू का न्यूज़पेपर से चालू करती हूँ एंड जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले मैं हेडलाइंस एंड एवरीथिंग पढ़ लेती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है एंड उसके अलावा मैं अंदर का भी सारा जो रहता है मटेरियल्स वो भी देख लेती हूँ एक बार कि क्या हेडिंग है एंड एवरीथिंग। एंड फिर उसके बाद हल्का सा ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंड चाय एंड वी हैव सम पोमोग्रेनेट आल्सो। सो ये साबूदाना है एंड लेट्स हैव इट। ये जाने के बाद मैं फिर फॉलो करती हूँ वीडियोस एंड देन मैं अलग से पूरा नोट्स बनाने लग जाती हूँ ऑफ डेली करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग जैसा कि आप देख सकते हो। तो करंट अफेयर्स ख़त्म होने के बाद आई एम गोइंग टू ज्योग्राफी एंड ऐसे मैं एक मार्क रख देती हूँ जहाँ से मेरे को स्टार्ट करना रहता है। सो वो इजी पड़ता है एंड मैं फिर एक एक करके पढ़ने लगती हूँ। और ये जिस्ट है फॉर एनसीईआरटी, सो आई डोंट हैव एनसीईआरटीज बट मैं ये पूरा जिस्ट पढ़ रही हूँ जिसमें पूरा ईयर का दिया रहता है पूरा स्टैंडर्ड का, आई थिंक 6 to 12। एंड मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उस हिसाब से मार्क कर लेती हूँ। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वो नेचुरल वेजिटेशन है ना, आप देख सकते हैं ये बुक एंड इसमें बहुत अच्छे से ब्रीफली एकदम सारे जो पॉइंट्स हैं वो हाइलाइटेड दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट बना लिया एंड ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है ऐसे ही अलग से लिस्ट बनाने में ताकि मैं पॉइंट्स रिमेंबर कर सकूं। आप देख सकते हो इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी। नेक्स्ट अभी ये हो जाने के बाद वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, तो अभी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अगेन आई एम पुटिंग दोज मार्क्स बिकॉज मुझे यहाँ से पढ़ना है जहाँ से मार्क लगा हुआ है, सो मैं उसे रिमूव कर लेती हूँ अभी एंड यहाँ से मैं चालू करती हूँ पढ़ना डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म। एंड सिमिलरली आप देख सकते हो सब कुछ पॉइंट वाइज एंड एवरीथिंग अच्छे से पूरा दिया हुआ रहता है इसमें। नेक्स्ट मैं जहाँ पे मुझे बंद करना रहता है वहाँ पे मैं अगेन स्टिक कर देती हूँ ताकि मैं अगली बार वहाँ से पढ़ सकूँ। सो हमारे यहाँ पे हिस्ट्री हो गया कंप्लीट पढ़ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। सो यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर का, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है सो आई एम रीडिंग थ्रू दिस एनसीईआरटीज पीडीएफ। नेक्स्ट वो जाने के बाद मैंने एक अलग से यहाँ पे नोटबुक बना लिया जिसमें मैं सारा सीसैट के क्वेश्चंस एंड प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जिसमें अलग से मैंने पूरा नोट्स बनाया एंड एवरीथिंग। आई नो सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है सो आई लव राइटिंग एंड आई लव नोटिंग डाउन। सो यहाँ पे मैंने 2016 से मैंने आई थिंक चालू किया एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग इन दिस। सो ये रहा है अभी तक एंड ऑल्सो आई एम मेकिंग डिफरेंट जो मुझे लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है या बार बार पूछे गए हैं सो आई एम मेकिंग अगेन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, उसको अलग से रख लेती हूँ मैं नोट्स बना के। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैंने एक प्रिंट आउट निकाला
दृष्टि आया, इसका प्रिंट आउट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाला है। एंड सिमिलरली यहाँ पे कौन सा इंडेक्स लाइक एंड रिपोर्ट कौन उसको रिलीज़ करता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ इन्फो, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिलिम्स। एंड तो मैंने ये निकलवा के रख लिया है। एंड अगेन मुझे जो जो लगता है इसमें नहीं है तो मैं अलग से उसको लिख भी देती हूँ इसमें, ताकि वो एक एक ही शीट में रहे। सो यहाँ पे मुझे अभी करना है क्वेश्चन पेपर, सो मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेती हूँ। आप देख सकते हो टेस्ट बुकलेट जनरल स्टडीज़ पेपर वन यहाँ दिया हुआ है, तो मैं वैसे स्टार्ट कर लेती हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रीलिम्स 2018 का लिया है सेट सी। सो मैं यहाँ क्वेश्चंस अगेन देख लेती हूँ कि क्या क्या है, वो एक्सप्लेनेटरी साइड बाय साइड देते रहते हैं मेरे को इंपॉर्टेंट जो लगता है, जो मुझे याद नहीं हो सकता है या जो मुझे खास मुझे उससे ध्यान देना चाहिए, तो मैं उसे लिख लेती हूँ। ऐसे मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चंस, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं अपना डिनर करके सो जाती हूँ। सो ये रहा मेरा यहाँ पे अ डे लाइफ ऑफ अ यूपी एस सी एस्पिरेंट, एंड आई होप सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा लाइक कैसे क्या होता है एंड क्या चैलेंजेस रहता है। नेक्स्ट वीडियो